बढ़ते आगे, जहां सिरसा में कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सहित तमाम पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर सिरसा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों को संबोधित भी किया। रिपोर्ट देखिए। सिरसा में कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सहित तमाम पार्टी के पदाधिकारी मौजूद नजर आए। मौके पर सिरसा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फतेहाबाद के जन सूचना अधिकारी को सस्पेंड करने पर कहा कि इसके लिए वहां के जनसंपर्क अधिकारी को सस्पेंड करना है तो हरियाणा के जनसंपर्क अधिकारी को सस्पेंड करना होगा, क्योंकि इनके पास नया काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है और न ही कोई नई उपलब्धि है। वही आम आदमी पार्टी द्वारा दबवाली में की जा रही रैली को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी अगर केंद्र की बात की जाए तो गठबंधन है उनके साथ। फिलहाल प्रदेश में किसी के साथ गठबंधन नहीं है, पार्टी अपनी अपनी तरह से प्रचार प्रसार कर सकती है। ये इस बात पे DPRO को सस्पेंड कर ले तो सारे हरियाणा ही करने पड़ेंगे इनको, क्योंकि इनके पास अपना अचीवमेंट कोई नहीं है, इनकी उपलब्धि कोई नहीं है, सब हमारे समय काम है। ये बैकवर्ड क्लास का क्रीमी लेयर 8 लाख हमने किया था, इन्होंने 6 लाख कर दिया। साढ़े छः सात साल तक बैकवर्ड क्लास को उसका फायदा नहीं पहुंचा, कृषि की आय भी उनमें जोड़ दी। अब 8 लाख करें चुनाव देख के, हम कह रहे हैं हम 10 लाख करेंगे। केंद्र की जहाँ तक सवाल है वहाँ आज भी गठबंधन है हमारा, आम आदमी पार्टी से, समाजवादी से भी है, वो इंडिया अलायंस है, प्रदेश स्तर पर किसी से कोई अलायंस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में धन्यवाद समारोह किया जा रहा है। सिरसा में समारोह रह गया था और रेवाड़ी और पलवल में रह गया है, बाकी सभी जिलों में धन्यवाद समारोह किए जा चुके हैं। ईडी के खतरे पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वह ऐसे परिवार में पैदा नहीं हुए हैं। कांग्रेस के विधायकों पर हुई ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है। किसानों की बार बार गुलाबी सुंडी से खराब हो रही नरमा कपास की फसल पर पूछे गए सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों को बीज अच्छा मिलना चाहिए, सरकार का अच्छा नहीं कर रही, तभी तो किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वो अपने मैनिफेस्टो में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए रोजगार देने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। सरकार बनते ही जो 2 लाख पद खाली हैं उन्हें भरने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को ठेकेदारी के तहत नहीं पक्की नौकरियों में भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि ठेकेदारी प्रथा तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। वो डेली घोषणा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने घोषणा की 100 गज के प्लॉट हम देंगे। अब 100 गज के प्लॉट के 9.5 साल पहले ये हुड्डा साहब की सरकार थी, 3,92,000 प्लॉट दे दिए थे, बाकी पाइपलाइन में थे। इन्होंने आते ही पहला कदम ये उठाया, जो मीटिंग हुई थी, क्योंकि वो प्लॉट दिए जाने थे गरीबों को, ज़्यादातर उसमें SC और BC के लोग थे, लैंडलेस थे, BPL कार्ड धारक थे। तो पहले तो इस बात के लिए माफ़ी मांगे कि वे परिवार पहचान पत्र को हथियार बना देंगे, जो लाखों लाखों लोगों के, गरीब लोगों के पीले राशन कार्ड काटे हैं, उसके लिए कौन दोषी है, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा कि प्रदेश सरकार 100-100 गज के गरीबों को प्लॉट देने की बात कर रही है, जबकि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने गरीबों को प्लॉट देने का काम किया था, लेकिन मौजूदा सरकार प्लॉट देने की बजाय लोगों को भरमाने का काम कर रही है। उदय भान ने कहा कि प्रदेश में परिवार पहचान पत्र परमानेंट परेशानी पात्र बनकर रह गया है, जिसमें 90% तक गलतियां हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी ID में भी 95% गलतियां हैं। उदय भान ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने परिवार पहचान पत्र को हथियार बनाकर गरीबों को पीले राशन कार्ड काटे और बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया। उदय भान ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उदय भान ने कहा कि ये जुमले की सरकार है और ये सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। टोटल TV के लिए सतनाम सिंह की रिपोर्ट।